वेलकम टू प्रैक्टिकल ज्ञान सीजन 2 पावर्ड बाय मार्केटिंग हुक। आज हमारा फर्स्ट एपिसोड है और जब मेरी टीम हम सब गेस्ट लिस्ट प्रिपेयर कर रहे थे, इट वॉज वेरी क्लियर इन माई माइंड दैट आज का जो हमारा फर्स्ट गेस्ट होगा वो बहुत ही ज्यादा स्पेशल इंसान होगा। वो एक ऐसा इंसान है जिसने लाइफ टाइम मुझे प्रैक्टिकल ज्ञान दिया है। आपने जनरली सुना होगा हर कामयाब आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होता है, बट मेरे पीछे एक आदमी का भी हाथ था, एक ऐसा इंसान हु हैज ऑलवेज ऑलवेज हेल्प मी थ्रू आउट लाइफ। ही इज समवन हु हैज ऑलवेज हेल्प मी एंड करेक्टेड मी दैट हाउ शुड आई एक्ट सोशली, बट द फनी पार्ट इज ही इज नॉट इवन ऑन सोशल मीडिया। प्लीज वेलकम एंड गिव अ ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज टू कुशाग्र मगो। हाय कुशाग्र, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू प्रैक्टिकल ज्ञान, टेकिंग आउट टाइम फॉर आवर लिसनर्स। अभी आपको कैसा लग रहा है, मैं ये बात करना चाहता हूँ। प्रैक्टिकल ज्ञान सीजन 2 फर्स्ट एपिसोड आपसे शुरुआत हो रही है। What are you feeling? I mean, thank you first of all for inviting me. I'm a little nervous. Honestly, I'm not so much fond of social media and everything. So, my social presence is a little less. But in one line, पहली बार इसमें तीन बार आप बोला, so yeah, that's a good feeling to have. आज का जो हमारा podcast है, it is about friendship. It is about sticking to with each other through thick and thin. It is about choosing career option, how we decided, what are the things that we decided, and how we ended up here. आज का पॉडकास्ट अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में बात करता हूँ तो एक ऐसी जर्नी मैं अपने लिसनर्स को इंट्रोड्यूस कराना चाहता हूँ कि जब मैं लो होता हूँ, हमने ये शो का नाम प्रैक्टिकल ज्ञान रखा और अल्टीमेटली आई वांटेड देम टू मीट समबडी जिसने मुझे लाइफ टाइम तक प्रैक्टिकल ज्ञान दिया। बट यहाँ पे सबसे वियर्ड बात यह, हम दोनों बहुत अलग इंसान है। आपने कभी स्कूल में एक ऐसे लड़के से मिले हो जो किसी भी लड़की से बड़ी स्मूथली बात कर लेता है या सबसे फ्लर्ट कर लेता है? वो मैं हूं। बट कोई ऐसा लड़का जिसे कोई लड़की खुद बात करे और वो जाके क्लास टीचर को जाके बता दे, वो ये है। Not proud of that. कोई ऐसा लड़का जब स्कूल में समर वेकेशंस में हॉलिडे होमवर्क मिलता था, ही इज दैट वन गाय जो फर्स्ट वीक के फर्स्ट डे पे शुरू करता है, एंड आई एम दैट गाय जो आफ्टर समर वेकेशन जीरो पीरियड में जाके लोगों का होमवर्क कॉपी करता था। आई जस्ट वॉन्ट टू आस्क यू यार, हम दोस्त कैसे बने? Honestly, I don't know exactly कि हम दोस्त कैसे बने और कब बने, but I mean I don't even remember beyond before 9th class. So 9th standard is the first good solid memory that I have. By the way, public में हम लोग इसको 15 साल बोलते हैं, क्योंकि 15 साल की दोस्ती बहुत लंबी और अच्छी लगती है। Right. But हम उससे पहले दोस्त नहीं थे, तो हम 9th class में हमने जाना एक दूसरे को। Correct. I think the solid foundation had already, we knew each other before 9th standard also. But then the solid foundation, I think that started from 9C, right? So that is the, that is how it goes back in my memory. So, yeah. But you are very different, honestly. You are that good boy of the school and I was honestly the baddest boy of the school, right? बहुत ज़्यादा difference है. I am very sure, पेरेंट्स भी बहुत ज्यादा बोलते हैं कि ऐसे बच्चों से दूर रहना चाहिए। मुझे नहीं पता, आई एम गोइंग टू आस्क कि अंकल आंटी ने कभी मेरे बारे में ऐसा बोला था कि नहीं, बट आई एम ऑनेस्टली गोइंग टू आस्क यू, व्हाट वाज दैट वन थिंग दैट जस्ट क्लिक बिटवीन अस? ऐसे दो डिफरेंट पर्सनालिटीज का दोस्त बनना और वो भी इतने स्ट्रॉन्ग ऑफ फ्रेंड्स आफ्टर 15 ईयर्स, बहुत वियर्ड है। और आज की डेट में आई बिलीव दैट आई विल नॉट बी रॉन्ग व्हेन आई से दिस दैट यू आर द क्लोजेस्ट पर्सन राइट बिफोर कीरत। So, ये कैसे हुआ? How did we start? मतलब, do you remember the first time जब हम बात कर रहे थे? What was the first interaction? और the first time you noticed, हाँ यार ये एक लड़का है फियांशु, ये क्लास का वो गंदा बच्चा है, या फिर वो ऐसा वाला बच्चा इससे दूर रहना है, या फिर शरारती है, वो क्या था? What was the first impression? So, मेरा first impression about फियांशु शर्मा was that, first impression as in when I, actually started noticing कि हाँ यार इसमें भी एक दोस्त दिख सकता है, something like that. So, my first impression was कि ये naughty है, ये मतलब शरारती है और ये सीधा नहीं है, बहुत टेढ़ा है। But then, I disagree with his definition of good and bad. So, that is what we have learned over the years. कैसे मतलब? So, basically what I'm trying to say is कि school में ना good और bad बड़ा simple होता था बोलना कि यार ये good है, मैं जो पढ़ता है या जो मैं class में tension देता है ये good है, जो नहीं देता वो bad है. As simple as that. But, life teaches you. This is not the perfect definition of good and bad. So, honestly, मैं ये नहीं मानता कि, I am good or he is bad. ये सब school की बात है. So, मैं नहीं मानता कि, good or bad की इतनी strict definitions होनी चाहिए life में. So,
एंड सिमिलरली मैं नहीं मानता कि यू नो ही वाज बैड एट ऑल. ये झूठ है, ये झूठ है. नहीं, आई ऑनेस्टली बिलीव दिस. इफ ही वाज बैड एट ऑल इन माय आईज, आई वुड हैव नेवर, यू नो, वी वुड हैव नेवर क्लिक्ड. हमारा कभी फ्रेंडशिप होती नहीं. सो दैट इज व्हाट आई फील. इवन दो यू नो द स्कूल डेफिनेशन ऑफ इट वाज दैट ये पढ़ता नहीं था, इसको बिल्कुल ये पढ़ता नहीं, खेलता भी नहीं. मैं तो खेलने में भी नहीं दोस्त मिला यार, मतलब समझो. तो ये ना पढ़ता था ना खेलता था, इसको बस दो तीन काम पसंद थे कि क्या गपशप चल रही है क्लास में, कौन सी लड़की कहाँ बैठी है, बस ये फिजूल. मतलब हर टीचर के रडार पे होता था, मतलब he was that kind of a guy. बट इतना मैं जरूर मानता हूँ कि जब मैंने इससे बात करनी शुरू करी, मैं पता नहीं पढ़ाई में तो मैंने शायद इसको एक दो इंस्टेंसेस में हेल्प किया होगा. आई स्टिल रिमेम्बर, तो एक बार मेरे पास मैथ्स पढ़ने आया था. मैं कुछ सागर के पास मैथ्स पढ़ने गया था घर पे, एंड एक दिन एग्जाम से पहले. ऑनेस्टली आई एम, वी आर नॉट इवन किडिंग. सो कुशागर, अच्छा एक बारी कुशागर का थोड़ा सा पास्ट के बारे में बात करते हैं. ही इज समबडी दैट ही गॉट 99 मार्क्स इन मैथ्स इन 10th, एंड प्लस 2 में भी इतने आए थे कितना है थे? 99. अब तुम्हें समझ में आ रहा है मैं क्यों गुड बॉय बैड बॉय कर रहा हूं? 99 ऑलमोस्ट. मेरे जैसे तीन लड़के पास हो सकते हैं इसके नंबर्स में, ऑनेस्टली. एंड मैं इसके पास गया, मैंने इसको बोला, मैंने इसको कॉल किया, हम बहुत पास रहते थे. मैंने तुझे कॉल किया था, आई रिमेम्बर, कि कुशागर आई नीड योर हेल्प. और मैंने ऐसे सोचा, हम दोस्त भी नहीं थे उस वक्त, मतलब अच्छे नहीं, एक्वेंटेंस टाइप थे. क्लास में एक लड़का था, सो ऐसे वाला. मैंने उसको कॉल किया, मैंने कहा यार ये तो अच्छा लड़का होगा, इसका फायदा उठा लिया जाए, ये मेरे को थोड़ा सा पढ़ा देगा, शायद वही चीजें एग्जाम में आ जाएंगी जैसे पेपर तूने सेट किया. एंड मैंने इसको कॉल किया, ही सेड चल आ जा, ही वाज अ वेरी नाइस गाय. ठीक है, मतलब अगर ये नहीं भी चाहता था, इसने मुझे तब भी बुला लिया अपने घर पे, और इससे मुझे थोड़ी देर पढ़ाया होगा, आधा घंटा, और मुझे समझ में आ गया भाई मैं नहीं पढ़ सकता, मेरे को नहीं चीज़ें, और शायद 15 मिनट में तुझे समझ में आ गया था. मुझे 15 मिनट पहले समझ में आ गया था कि इससे इतना ही हो पाएगा. तो आज लाइक ठीक है, एक आधा एक एग्जांपल इसको और समझा लेते हैं, हुआ तो ठीक है, बैठेगा नहीं तो चला जाएगा, तो ये चला गया. मतलब इट वाज एज सिंपल एज, हमसे ना हो पाएगा, एंड वो वाली फीलिंग थी. बट फिर भी मैं जानना चाहता हूँ, बिकॉज ये वाला तो था स्टार्टिंग वाला फेज, व्हाट ब्रॉट अस एक्चुअली क्लोजर. बिकॉज आई ऑनेस्टली बिलीव दैट हम आज की डेट में, एटलीस्ट मुझे लगता है, हो सकता है यू आर चीटिंग ऑन मी, ठीक है उस पर बाद में आएंगे हम, बट मुझे लगता है कि हम बहुत ज्यादा क्लोज हैं. और वो कैसे डेफिनेशन है, बिकॉज हम अभी भी, मैं बताता हूँ, हम बहुत अलग हैं, हमारी सोच अलग है. ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, जिसके आप ज्यादा टाइम स्पेंड करते हो, आप उसके जैसे होने लग जाते हो. बिकॉज दैट आई हैव फेल्ट, आई वॉज वेरी एग्रेसिव, कुशागर वॉज नॉट एट ऑल. बट ओवर अ पीरियड ऑफ 5-7 ईयर्स, ही हैज पिक्ड अप फ्यू ट्रेट्स फ्रॉम मी, एंड आई हैव पिक्ड अप फ्यू पेशेंट ट्रेट्स फ्रॉम. एब्सोल्युटली. तो मैं ज्यादा पेशेंट हो गया हूँ, और मैंने कुशागर को अब एग्रेसिव होते हुए देखा है. बट फिर भी व्हाट वाज दैट वन थिंग दैट, अभी भी अगर मैं बात करूं, कि यू फेल्ट लाइक कि यार हाँ ये वो बंदा है जिसको मैं हर रोज मिलना चाहता हूँ, वो क्या है? सो और आई एम टॉकिंग अबाउट प्लस वन प्लस टू एंड कॉलेज. करेक्ट, एब्सोल्युटली. सो मेरे पास इसके दो आंसर है. तो जैसे भी वो उस टीनेज में लोगों के दोस्त होते हैं, बच्चों के सबके, यू नो, वी मेक आवर ओन फ्रेंड सर्कल एटसेट्रा. तो मैं मानता हूँ कि हमारे फ्रेंड सर्कल की वजह से भी मैं इसके बहुत क्लोज आया. सो दैट इज वन, आई मीन वन एग्जांपल दैट आई कैन थिंक ऑफ. बाकी सब फ्रेंड्स के साथ, यू नो, ही वाज आल्सो यूज्ड टू जेल अप वेरी नाइसली, एंड आई मीन समहाउ वी जस्ट बॉन्डेड अ ग्रुप. द सेकंड थिंग इज अ वेरी पर्सनल काइंड ऑफ अ थिंग. तो मैं ये नहीं मानता कि, यू नो, मैं अगर थोड़ा पढ़ाई में अच्छा था, मुझे मैथ्स पसंद थी, जैसे, या मैं स्पोर्ट्स खेलता था, मैं देखता था, और इसके इंटरेस्ट डिफरेंट थे, मेरे इंटरेस्ट प्लेट्स वाला थे. आज तक समझ में नहीं आया कि इसे रोडीज क्यों पसंद है, मुझे समझ में नहीं आया. मेरे को रोडीज पसंद है, बट एनीवे, आई एम प्राउड ऑफ इट. नो कमेंट्स, नहीं, आई थिंक इट्स अ गुड शो, बट एनीवे. तो मैं ये मानता हूँ, हमारी इस बात पे काफी बार डिस्कशन भी हुई है, कि जस्ट टू पुट इट इन सिंपल वर्ड्स, मैं बहुत दिमाग से सोचता था, सो आई वॉज अ माइंड पर्सन. ये बहुत दिल से सोचता था, ये वॉज अ हार्ट पर्सन, एज सिंपल एज दैट. तो मुझे कहीं इसमें एक ऐसा दोस्त दिखा हु कैन एक्चुअली टीच मी कि, यू नो, यू कांट ऑलवेज एंड एवरी टाइम थिंक फ्रॉम ओनली फ्रॉम योर माइंड. मीन भगवान ने तुम्हें दिल भी दिया और दिमाग भी दिया, राइट? यू हैव टू यूज बोथ, एज सिंपल एज दैट. बट नाउ आई कैन इवन कंफर्टेबली से कि तुम्हें दिल थोड़ा ज्यादा यूज करना चाहिए, एंड दैट इज बिकॉज ऑफ इट. सो इट्स नॉट लाइक कि मुझे यू नो, मुझे ये दोस्त कैसे बना, क्यों बना, बट इट इज बिकॉज ऑफ दैट. आई थिंक वो पजल इतने अच्छे से फिट हुआ कि आई थिंक मैं इसे कुछ सिखा पाया कि कैसे दिमाग से सोचना चाहिए कभी कभी, लेकिन ये मुझे ज्यादा सिखा पाया कि कैसे दिल से सोचना चाहिए. मेरा ये मानना है. ओके, मैं उस बारे में बात करना चाहता हूँ.
बिकॉज ये अराउंड प्लस वन प्लस टू की बात है वेयर वी वर ऑल डिसाइडिंग कि क्या करना है लाइफ में, एंड आई हैड नो क्लू ऑनेस्टली. सबको पता है कि मतलब आज भी इफ आई बी वेरी ऑनेस्ट, सबको पता है कि फियांशु शर्मा हैड नो क्लू कि इसने लाइफ में करना क्या है. वेयर एल्स कुशाग्र मगो ही गेव एनडीए का एग्जाम, नेशनल डिफेंस अकेडमी के एग्जाम दिए, वेयर आपका इंडियन आर्मी का एग्जाम आता है, आपका एयरफोर्स का एग्जाम होता है, आपका इंडियन नेवी का एग्जाम होता है, एंड ही डिड अमेजिंगली वेल. ही क्लियर्ड द इंटरव्यू, ही क्लियर्ड रिटन, मेडिकल एंड एवरीथिंग. ऑन द टॉप ऑफ दैट ही स्कोर्ड 32 रैंक ऑल अक्रॉस इंडिया. ऑल इंडिया रैंक आपका 32 था, एंड एयरफोर्स का 12th एंड नेवी का 2nd. मेडिकल क्लियर करना और ये वाला रैंक आना अपना गली बॉय. ये चीज कैसे हुई? कैन यू टेल द एंटायर जर्नी टू आवर लिसनर्स कि जो लोग एस्पायर भी करते हैं चीजें देने के लिए वो कैसे ये वाली चीज कर सकते हैं या फिर आपने क्या क्या चीजें करी? सो मेरा ये मानना है कि आई वाज आई मीन द टाइम दैट ही इज टॉकिंग अबाउट दिस वाज व्हेन आई वाज इन 12th स्टैंडर्ड, अ प्रीटी यू नो प्रीटी यंग गाय. आई मीन इवन 12वीं तक भी किसी को पता नहीं चलता कि लाइफ में क्या करना है. ठीक है, किसी को तो पक्का नहीं पता था. मुझे इतना पता था कि मुझे मैथ्स और मतलब मुझे ये पता था कि मुझे क्या चीजें अच्छी लगती हैं करना और प्रॉबेबली मैं इसमें आगे जा सकता हूँ. बट मैं ये नहीं बोल सकता था कि मैं आगे जाके ये बनने वाला हूँ या ये नहीं बनने वाला हूँ. बट एनीवे 12th स्टैंडर्ड में था और मेरे डैड के एक फ्रेंड हैं, उनके बेटे ने यू नो ये यूपीएससी एनडीए का एग्जाम दिया था. सो माय डैड वाज लाइक कि तू आईआईटी और यू नो जेईई और एआई ट्रिपली वगैरह होता था उस टाइम तो उसके लिए तो बैठ ही रहा, तो एक एनडीए का एग्जाम भी दे दे. कोइंसिडेंटली इसकी जो डेट्स है वो पहले है, तो टिपिकल इंडियन पेरेंट्स रिटन का प्रैक्टिस हो जाएगा कि चार तो कर ही रहे हो एक और फॉर्म भर दो मतलब कोई दिक्कत नहीं है एंड एक प्रैक्टिस हो जाएगी बस. सो मैंने भी सोचा कि चलो ठीक है, पापा कह रहे हैं तो आई मीन आई ऑलवेज नो दैट ही हैज द बेस्ट इंटरेस्ट्स फॉर मी इन हिज माइंड. तो मैंने दे दिया, मैंने वो फॉर्म भर दिया और एग्जाम टेस्ट दे दिया और रिटन टेस्ट वाज प्रीटी इजी तो वो मैंने कर दिया. और उसके बाद आई गॉट एन इनवाइट कि मुझे वो सर्विस सिलेक्शन बोर्ड विच इज SSB इंटरव्यू के लिए जाना है. सो ऑनेस्टली मैंने उसकी कुछ तैयारी नहीं करी थी. आई न्यू दैट यू नो आपको टेस्ट पे आई मीन एग्जाम पे जाने से पहले एक इंटरव्यू में जाने से पहले विच इज द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस इंडियन गवर्नमेंट का इंटरव्यू है. सो उसमें जाने से पहले यू नीड टू डू योर बेसिक होमवर्क. तो मैंने बस उतना बेसिक होमवर्क कर लिया था कि क्या आने वाला है क्या नहीं आने वाला है, बट एक जो अच्छी प्रिपरेशन होती है वो मैंने नहीं करी थी. तो मैं उस एग्जाम के लिए गया, आई हैड टू ट्रैवल टू बैंगलोर. मैं बैंगलोर में जाके नेवल डिफेंस सेंटर पे जाके मैंने एग्जाम दिया एंड ऑनेस्टली इट्स दैट वाज द बेस्ट एक्सपीरियंस ऑफ माय लाइफ टिल डेट. वो 5 दिन का एक इंटरव्यू था, 5 दिन का. इट वाजंट लाइक अ यू नो 15 मिनट्स और हाफ एन आवर इंटरव्यू, इट वाज अ 5 डेज इंटरव्यू एंड दे टेस्टेड टू द कोर. मुझे तो लगता है कि उसको करिकुलम में ऐड कर देना चाहिए, एज सिंपल एज दैट. और करिकुलम में स्कूल के करिकुलम में एक बार अगर फैंसी वो दे दे तो उसको उसकी लाइफ बहुत सुधर सकती है. That's what I'm doing pretty fine with my life right now. but on a serious note, I think it was a very good learning experience for me. मैंने जाके वो टेस्ट दिया, मैंने I did my best and I think one thought to pick here which I could probably tell it to all the listeners कि उसमें ये चीज़ है कि when you have nothing to lose then you are at your best, as simple as that. तो मेरे पास ऐसा नहीं था कि मुझे ये क्लियर करना ही करना है. माय डैड वाज लाइक कि यार तू देख यार कोई दिक्कत नहीं है, कुछ नहीं होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं, हम तो टेस्ट ही कर रहे थे ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है. तो मैं जाके वो एग्जाम देके आया एंड कोइंसिडेंटली वो टिक पे टिक बसता गया एंड आई क्लियर्ड दैट ऑल द राउंड्स 5 डेज पे एंड देन आई अपीयर्ड फॉर द पायलट टेस्ट एज वेल. फॉर्चुनेटली क्लियर दैट एज वेल. दैट्स अ वंस इन अ लाइफ एग्जाम, अ लाइफ अपॉर्चुनिटी. अगर आप वो क्लियर कर लेते तो होता नहीं तो नहीं होता पूरी लाइफ में. सो आई मीन आई जस्ट वेंट विद द फ्लो, हो गया और वापस आया और मैं वहां पे नहीं गया. What reply do you generally give to people when people say that आपने ऐसे इंसानों की सीट वेस्ट करी है जो बहुत ज्यादा एस्पायर करते हैं, आप गए क्यों थे अगर आपने जाना नहीं था? How do you react to that? So मैं ये नहीं मानता कि मैंने किसी इंसान की सीट वेस्ट करी honestly, because इसमें एक दो फैक्ट्स हैं. मैंने ये इतनी रिसर्च एक्चुअली पहले कर ली थी बिकॉज ऑनेस्टली मैं ऑन द पैरेलल साइड ऑफ इट मैं IIT JEE और AIEEE इंजीनियरिंग एंट्रेंस के लिए बैठ रहा था और मुझे पता है कि वो एक सीट कितनी इंपॉर्टेंट होती है. अगर वैसा मेरे साथ कुछ हो तो मैं उस मतलब आई वुड नॉट फील राइट अबाउट इट, राइट? तो मैंने इतनी रिसर्च कर ली थी कि यू नो इवन आफ्टर सेलेक्टिंग एवरीबडी कुछ 500 के आसपास सीट्स होती हैं एंड दीज गाइस सेलेक्ट 1100 के आसपास लोग.
सो उनमें भी इतनी वेटिंग लिस्ट और ये सब होता है कि इवन इफ यू नो अगर ऊपर से किसी को नहीं करना है एंड इट कुड बी बिकॉज ऑफ अदर रीजन आल्सो किसी की कोई पर्सनल इमरजेंसी हो सकती है कोई एक्सीडेंसी हो सकती है कुछ भी हो सकता है एंड अगर आपको नहीं करना है इट रोल्स डाउन द लिस्ट एंड नेक्स्ट इंसान को तो अल्टीमेटली अगर आप सिलेक्ट भी हो और आपने नहीं किया तो आपने किसी की सीट तो नहीं वेस्ट मैंने किसी की सीट वेस्ट नहीं करी मुझे ऐसा लगता है नेक्स्ट बंदे को चांस तो मिलेगा परफेक्ट सो जब आपने अपने फादर को बताया कि आप सिलेक्ट हो गए हो सब कुछ हो गया आई एम वेरी श्योर कि बहुत खुश हुए होंगे लोग ठीक है बिकॉज इट्स अ ड्रीम फॉर पीपल टू गेट सिलेक्टेड फॉर दैट विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट उस वक्त आपके पेरेंट्स का क्या रिएक्शन था एंड स्पेशली वो डिसीजन कैसे लिया कि मेरे को अब नहीं जाना फर्स्ट ऑफ ऑल मतलब आई मीन ये क्लियर करने के बाद माय पेरेंट्स आर आल्सो वेरी यू नो हैप्पी अबाउट कि मैंने कुछ तो क्लियर ये वाला क्लियर कर लिया एंड देन आफ्टर दैट मुझे ऐसा लगता है कि ना जाना वाज अ कलेक्टिव डिसीजन आई मीन इट वाजंट माय ओनली डिसीजन तो पापा मम्मा के साथ बैठ के पूरा बात करके एंड देन वी डिसाइडेड कि मेरा कभी ये थॉट प्रोसेस था नहीं तो मैं ऐसी चीज नहीं करूंगा जो मेरा थॉट प्रोसेस नहीं था आई हैव द बेस्ट एंड द अटमोस्ट रिस्पेक्ट फॉर इंडियन आर्मी एंड इंडियन एयरफोर्स एंड इंडियन नेवी बट इट इज जस्ट दैट आई नेवर थॉट अबाउट इट एंड आई जस्ट वेंट अहेड विद द फ्लो सो मैंने ऐसा कुछ नहीं करना था जो मैंने लाइफ में मतलब कभी सोचा नहीं था आई जस्ट So next 40 years उस पे स्पेंड नहीं करने थे दे रहे हो सो वुड यू सजेस्ट द यूथ और वो वाले सारे स्टूडेंट्स जो जनरली एकदम से डिसअपॉइंट हो जाते हैं अपसेट हो जाते हैं जिनका एक बार में नहीं होता व्हाट इज द वन सजेशन दैट यू वांट टू गिव टू देम यार माय वन सजेशन इज दैट यू नीड टू कीप ट्राइंग इट इज एज सिंपल एज दैट आई मीन यू नीड टू डू योर होमवर्क एंड आफ्टर दैट यू नीड टू कीप ट्राइंग दैट इज द ओनली थिंग माय मदर ऑलवेज सेज कुछ लोगों को ना बहुत सारी मेहनत करने के बाद मिलता है और कुछ लोगों को थोड़ी सी मेहनत करने पे मिल जाता है लेकिन ऐसे कोई लोग नहीं होते जिनको बिना मेहनत किए मिल जाते सो दैट इज आई थिंक माय वन लर्निंग तो आपको मेहनत करते रहने चाहिए एंड आपको मिल जाएगा मैं ट्राइंग से एक और एग्जांपल लेना चाहता हूं यू गिव कैट थ्राइस ना आई सैट फॉर कैट थ्राइस फर्स्ट टाइम कैट में कितना आया था फर्स्ट टाइम आई थिंक इट वाज अराउंड 94% 94 एंड दैट इज आल्सो नॉट बैड बट यू आर नॉट हैप्पी मेरे खुद के स्टैंडर्ड में वो नहीं था तो मुझे था मुझे और चाहिए मतलब वो मुझे ऑनेस्टली पता था कि मैं और कर सकता हूं सेकंड टाइम भी कैट दिया सेकंड टाइम भी दिया नेक्स्ट ईयर फिर कितना आया था इतना था बट या एक इंसान की इतनी ज्यादा प्रोफेशनल लाइफ में जब एक्सपेक्टेशन है एक इंसान एनडीए देके आया है इंडियन आर्मी एयरफोर्स नेवी क्लियर करके आया कैट 3 बार दे दिया है जीमैट भी दिया है दोस्तों में क्या प्रॉब्लम आ गई थी मैं नहीं मानता कि कुछ दोस्तों में प्रॉब्लम आई थी अगर दोस्तों में प्रॉब्लम आई होती तो ये ना होता as simple as नहीं बट यू आर गिविंग वेरी डिप्लोमेटिक पॉलिटिकल आंसर यू हैव टू बी हियर When you are here, you have to be honest. नहीं, see, I'll tell you something. क्या अंदर से दिमाग में आया था कि चलो फ्यांचू सेमीफिनाले तक फ्रेंड्स रहेगा, फिर उसके बाद और एक अच्छा फ्रेंड है ऐसे वाला? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ये इसके रोडीज मेरे दिमाग चल रहे हैं और कुछ नहीं है बट मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ इवन दो आई मीन इट माइट साउंड लाइक यू नो मैंने ये कुछ बेंचमार्क्स है लाइफ में जो कर लिए ठीक है मेहनत करके किए जैसे भी किए बट इवन देन उसके बाद भी बहुत ऐसी चीजें जो मेरे को सीखने को मतलब सीखने को अपने लिए चाहिए और वो चीजें मुझे मेरे दोस्तों से मिलती हैं एंड यू बीइंग वन ऑफ द यू नो ट्रेंड सेटर्स इन दैट फील्ड आई थिंक सो या तो मुझे बहुत सारी चीजें इसे सीखने को मिली हैं सो आई वुड नेवर से यू नो आई मीन दोस्तों में भी कमी रहेगी वन थिंग दैट यू रियली लाइक अबाउट फ्यांशु शर्मा एंड वन थिंग दैट यू रियली डू नॉट लाइक अबाउट फ्यांशु शर्मा सो वन थिंग दैट आई लाइक अबाउट फ्यांशु शर्मा इज दैट ही इज अ वेरी मूवफुट काइंड ऑफ अ गाय तो मुझे ना जब ये कुछ बोल देता है तो मुझे सोचना नहीं पड़ता यार कि ये इसके मन में था या नहीं था ये जो बोलता है वो वही बात है इज अ हार्ट गाय तो ये दिल से बोलता है जो बोलता है देयर आर नो स्ट्रिंग्स अटैच्ड दिमाग है ही नहीं इसमें वो तो डिबेटेबल है उसमें बाद में आते हैं सो ही स्पीक्स फ्रॉम हिज हार्ट सो दैट इज व्हाट आई लाइक अबाउट हिम एंड द थिंग दैट आई डोंट लाइक अबाउट हिम इज दैट ही समटाइम्स मेक्स मी सोशली ऑकवर्ड सो या सो कमिंग टू सोशली ऑकवर्ड लेट्स आल्सो टॉक अबाउट द टाइम सी मैंने ये पहले वाले पॉडकास्ट में भी बताया कि आई वॉज नॉट वेरी प्राउड एंड हैप्पी अबाउट द कॉलेज आई वेंट टू ठीक है
कुशाग्रा हैज ऑलवेज बीन वेरी सपोर्टिव टू मी एंड मेरा कॉलेज इतना अच्छा नहीं था, इसका कॉलेज बहुत अच्छा था. सो ही यूज टू ऑलवेज इन्वाइट मी टू हिज कॉलेज पार्टीज एंड लोगों को आज तक ये लगता है कि मैं पेक से पास आउट हूँ फ्रॉम पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज. बट नो, आई एम नॉट पास आउट फ्रॉम देयर, आई एम नॉट एलम ऑफ दैट कॉलेज. बट मैं इतना जाता था वहां पे, थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर मैंने सारा वहीं पे निकाला है. एंड वहां पे भी मुझे ये जानना है कि जब हम इस बारे में बात कर रहे हैं प्रैक्टिकल ज्ञान के बारे में, कि आज का जो पॉडकास्ट है इट इज अबाउट स्टिकिंग विद ईच अदर थ्रू थिक एंड थिन. And I honestly, yes, I agree to it that I have made you socially awkward a lot of times. वो वाला decision तो क्यों लेता था? Why did you used to invite me to your college parties with your friends? Because I'll be very honest. As he said, मैं मुफ्त हूँ. और जहाँ पे अगर by chance I am somebody जो चुपचाप चलता रहेगा till the time कोई इसको तंग ना करे. वो risk लेने के बावजूद भी you always used to invite me to your college events. And वहाँ पे डर नहीं लगता था यार, यहाँ पे कुछ पंगा ना हो जाए. और पंगे हुए भी हैं. It was not, हम गोवा के बारे में भी बात करेंगे, बट वो पंगे हुए फिर भी तो क्यों इनवाइट करता था? इसका जो लास्ट वाला क्वेश्चन है उसको मैं पहले आंसर दूंगा कि मेरा डर नहीं लगता था, मुझे बहुत डर लगता था हर ट्रिप पे जाने से पहले. He used to give me practical ज्ञान कि तूने पंगे नहीं करने. ये मुझे कॉल करता था कि पैकिंग में क्या क्या सामान लेके जाना है, और मैं इसको ये बोलता था कि तेरे को वहां जाके क्या क्या नहीं बोलना है. सो ये थोड़ा सा प्रैक्टिकल ज्ञान था जो मैंने इसको दिया. जो आई मीन सो या सो वो एक चीज थी. मैं इसको हर ट्रिप पे जाने से पहले इसलिए बुलाता था, क्योंकि उसके दो रीजन है. एक तो ये मेरा सेल्फिश इंटरेस्ट था कि मुझे उसके साथ बहुत मजा आता है. ऑनेस्टली आज भी आता है, तब भी आता था, हमेशा आएगा, मुझे इतना पता है. तो मैं अपने सेल्फिश इंटरेस्ट के लिए यार कि मैं यू नो मैं कॉलेज को रिप्रेजेंट करने चाहे मुंबई गोवा जा रहा हूँ, अंशु होगा ना तो मजा तो आएगा, एज सिंपल एज दैट. तो ये मेरा एक लौता रीजन था जो सेल्फिश था. सेकेंड वॉज कि मेरे जो पेक के भी मेरे कॉलेज के भी जो दोस्त थे, मुझे ऐसा लगता था समवेयर आई यूज टू थिंक कि यार क्या फ्यांशु उन सबके साथ जेल हो पाएगा और क्या ये लोग इसके साथ जेल हो पाएंगे. एंड आई इन माई हेड आई ऑलवेज गॉट द आंसर कि यस ये तो परफेक्टली चलने वाला है, कोई दिक्कत नहीं है. तो ये इतना परफेक्टली नहीं चला बट लेकिन बहुत अच्छा चला. एंड टू सच एन एक्सटेंट कि जब भी हम वहां गए वी हैव ओनली मेड गुड मेमोरीज. आई थिंक मेरे को इन सब एक्सेप्ट वन एंड टू नहीं, वो मतलब मेमोरीज में ही काउंट करते हैं, ठीक है वो गुड नहीं होगी शायद. बट या बट वी हैव ओनली मेड अ लॉट ऑफ मेमोरीज, जिससे मैं ये कहूंगा कि मतलब इवन इफ आई लुक बैक आई मीन आई विल चेरिश दोस थिंग. तो मेरा बस ये मतलब था, इसलिए मैं हर ट्रिप में इसको इन्वॉल्व करता हूं. हम बहुत अलग हैं और ये बात मैं बहुत बार बोल चुका हूं. क्या मैं बोल सकता हूं कि ऑपोजिट डू अट्रैक्ट? डेफिनेटली आई थिंक ऑपोजिट्स डू अट्रैक्ट. सो हर एक स्टोरी में एक विलन भी होता है. हमारी स्टोरी में वो दीपिका है. दीपिका कौन है मैं बता देता हूँ. कुशाग्र की जो गर्लफ्रेंड है उसका नाम हम भी बता नहीं रहे हैं बिकॉज ऑफ सम रीजंस. अंकल आंटी भी देख रहे हैं, ठीक है. सो लेट्स जस्ट से कि कुशाग्र की गर्लफ्रेंड का नाम दीपिका है. एंड जब हमारी लाइफ में दीपिका आई थी, सो देयर वर अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स. ऑनेस्टली मेरे लिए बहुत ऑकवर्ड था व्हेन आई टोल्ड कुशाग्र दैट मुझे ये सिचुएशन अच्छी नहीं लग रही. आई वॉज नॉट कंफर्टेबल विद दैट, राइट. आई एम वेरी क्लोज एंड आई एम वेरी पोजेसिव फॉर कुशाग्र. एक दो लोग हैं मेरी लाइफ में जिनसे मैं बहुत ज्यादा इमोशनली अटैच हूँ, एंड कुशाग्र बीइंग वन ऑफ दोस. सो जब दीपिका लाइफ में आई थी, देयर इज दो रीजंस जिसकी वजह से आई वाज नॉट वेरी हैप्पी. द फर्स्ट वन इज दैट दीपिका मेरा ज्यादा टाइम ले लेती थी कुशाग्र के साथ, ठीक है. ऑनेस्टली आई फेल्ट दैट कुशाग्र यूज टू स्पेंड लेस टाइम विद मी एंड दीपिका ज्यादा टाइम ले रही थी मेरा. द सेकेंड थिंग इज दैट आई डिडंट लाइक दीपिका वॉज बिकॉज आई हैव ऑलवेज फेल्ट दैट शी इज अ ज़ेरॉक्स ऑफ मी, ठीक है. तो मैं कुशाग्र को, एंड ट्रस्ट मी मैंने बोला भी है तेरे को, आई डोंट लाइक दीपिका जस्ट बिकॉज वो बिल्कुल मेरे जैसी है. उस पूरी सिचुएशन में हाउ डू यू हैंडल? एंड पीपल जिन्होंने सोनू की टीटू की स्वीटी नहीं देखी पहले वो जाके देखो फिर हमारा पॉडकास्ट सुनना. एग्जैक्टली दैट सिचुएशन. सो ऑनेस्टली ये जिस टाइम में ये मेरे साथ हुआ, दैट टाइम आई वाज डूइंग माय एमबीए इन मुंबई. एंड और ये डेस्परेट इंजीनियर था. इंजीनियर्स को जैसे लड़की नहीं मिलती और एमबीए कॉलेज इज लाइक मैट्रिमोनियल साइट. सो वहां जाके हमें दीपिका मिली. So and I really love her. So I don't like that. So मेरा ये point था कि मतलब जब मैं MBA कर रहा था, I mean it was a new atmosphere for me also. And उस time पे मेरा routine and ये से बहुत ज़्यादा hectic हो गया था, जिस वजह से I was you know I found myself balancing a lot of things. And उसी time frame में मेरे साथ ये वाला life का angle start हुआ. So I was again balancing another important life aspect of my life.
सो उसमें आई ऑनेस्टली बिलीव कि हाँ, मतलब मेरी थोड़ी सी गलती थी कि मैं इससे इतनी बातें इतना टाइम नहीं दे पा रहा था, एंड मैंने इसको ये काफी मान ली है. दिस इज द फर्स्ट टाइम दैट इसने अपनी गलती मानी है, वरना हर बार इसने मुझे पता क्या बोला है, हम करते तो है बात अभी इतना भी क्या है. He is just camera conscious, तो ये अपनी गलती मान रहा है. He don't want to stretch this topic right now. नहीं, so मैंने इसके साथ फोन पे उसके बाद भी बहुत बार जब when he, you know, kind of expressed him, his thoughts and his feelings to me, तो मैंने तुझे ये बात करी है. See, मैंने तो इसको ये बात बोल दी थी, मेरी कीरत से बात नहीं होती थी, चलता था. तो दो दिन में एक बार हम कीरत से बात कर लेते थे. कीरत, I'm very sorry, गुस्सा मत करियो. But कुशाग्र से मेरी बात हर रोज होती थी. So we used to be that friends कि when you were in Delhi, I was in Chandigarh. Right. तो हम रोज बात करते थे. ये मुंबई गया है, एब्सोल्युटली गेट इट कि एमबीए कॉलेज का करिकुलम इज लाइक 18 से 20 घंटे दिन के हर रोज. बट वो 20 घंटों के बाद ना, जो आधा घंटा मेरा आता था वो भी दीपिका लेने शुरू कर दिया लेना. एंड देन आई टोल्ड हिम, और वो धीरे धीरे मेरे ख्याल से आधा घंटा हुआ, फिर वो दो चार दिन में एक बार बात हुई, फिर वो हफ्ते में एक बार बात शुरू हुई. एंड देन यू वेंट टू यूरोप फॉर योर, यू वेंट टू फ्रांस. करेक्ट, मतलब दो तीन इंटरनेशनल ट्रिप्स थे फॉर योर एजुकेशन पर्पज, और वहां पे तुम्हारा बिल्कुल ही लिंक छूट गया. एंड आई एब्सोल्युटली, मतलब मुझे अभी भी फील होता है कि यार सच में ऐसा हुआ था कि हम सच में बात नहीं कर पा रहे थे. एंड इट वॉज मतलब बाई चॉइस, क्योंकि टाइम नहीं था और डे एंड नाइट का फर्क था, वो भी बहुत सारे पंगे थे. एंड मैंने कुशागर को आई यूज वेरी हार्श वर्ड्स वन डे. आई टोल्ड हिम नो प्रॉब्लम्स, बिकॉज एज इट इज आई विल बी मूविंग टू कैनेडा इन फ्यू मंथ्स. सो मैंने उसको बोला था, और ये बात हमारी थोड़े टाइम पहले हुई है, कि कोई बात नहीं, फिर वो वाले फ्रेंड्स बन जाएंगे जो 6 महीने में एक बार बात करते हैं. एंड आई वाज मेंटली ओके विद इट. सो देयर वाज अ टाइम जब हमारी बात होनी बंद हो गई थी, ठीक है, बिकॉज ऑफ दीपिका. ज्यादा टाइम दीपिका की तरफ जा रहा था. और मैं इन लोगों को वो वाली बातें बोलना चाहूंगा, ये सारे वो वाले लोग जो जिनको कभी गर्लफ्रेंड मिलती नहीं है, और वो जब मिलती है तो अपने सच्चे दोस्त को छोड़ के चले जाते हैं, ठीक है, या फिर टाइम कम देना शुरू करते हैं. तो ऐसा मत किया करो, ठीक है. अब तू क्या कहना चाहेगा? जितना ड्रामेटिक अभी हो रहा है ना, इतना ड्रामेटिक था नहीं ये सिचुएशन, इतनी ड्रामेटिक थी नहीं. ओके, देन आई एम गोइंग टू टेल यू. एक बार क्या हुआ था, वी वर एट अ न्यू ईयर पार्टी इन दिल्ली, राइट, एंड हम लोगों ने वी हैड अ कपल ऑफ ड्रिंक्स, ठीक है. एंड ही इज टॉकिंग अबाउट ड्रामेटिक, राइट. सो आई वेंट टू दीपिका एंड आई सेड, दीपिका मुझे तो पसंद नहीं है, बट प्लीज कुशागर का ध्यान जरूर रखियो. एंड सो डू नॉट टेल मी दैट मैं ड्रामेटिक नहीं था. आई मुझे मेरा दोस्त चिंता हुआ दिख रहा था, ऑनेस्टली. एंड आई हैड टू डू व्हाट आई हैड टू डू. मैंने, I know that you really love her, mm-hmm. and I respect that thing. I always wanted you to be very happy, mm-hmm. because I have always seen you looking at Kirat and I in a very different manner, and you have always told me that how we have managed our relationship, that is very something, that's a couple goal kind of a thing. So I always want ki tere sath bhi wo cheez aaye, but mujhe ye nahi pata tha ki jab wo aayegi wo mere liye itni mushkil hogi. So ye last line se main bilkul agree karta hu. To jab wo cheez meri life mein aayi, jo meri life mein bahut important thi, usse वो ये कैसे एडजस्ट करेगा, दैट वॉज अ टफ यू नो थिंग टू हैंडल. तो वो एक चीज थी विच आई एग्री. और मैं ये मानता हूँ कि जब मेरी लाइफ में वो चीज आई, द ओनली एग्जाम्पल दैट आई यूज टू लुक इन माई हेड वॉज फ्यांशु एंड किरण. अच्छा, ये एग्जाम्पल था दैट यू नो आई ऑलवेज काइंड ऑफ यूज टू आइडियलाइज कि यार ऐसा यू नो लव लाइफ ऐसी होनी चाहिए. दैट एंड आई, मैं दिल से ये चीज बोलता हूँ. ओके, तो मेरी लाइफ में जब वो चीज आई, आई यू नो आई स्टार्टेड रियलाइजिंग एंड आई स्टार्टेड फीलिंग कि यार अब मुझे यू नो जो मेरा आइडियल है, मुझे उसकी तरफ जाना है. एंड दैट इज व्हाट आई यूज्ड टू काइंड ऑफ थिंक. तो उस यू नो उस रीजन से, उस सिचुएशन से मेरा काफी टाइम उस चीज में जाता था. एंड विच आई लेटर डिड अपोलोजाइज टू हिम कि ये ऐसा मतलब बहुत टाइम मैंने दिया. बट देन आफ्टर दैट आई थिंक जिस तरह से वो स्टार्टिंग पीरियड हो गया, सो इवन शी गॉट यूज टू माई फ्रेंड सर्कल, टू फ्यांशु, कीरत एंड एवरीबडी. एंड देन आई थॉट कि हाँ यार अब ये मेरे लिए स्मूथ हो गया. एंड आई थिंक उसके बाद से दैट थिन वाला पार्ट वॉज थिंग ऑफ पास्ट एंड वी आर बैक ऑन ट्रैक. ही थिंक्स मैं अभी भी आई डोंट लाइक हर अ लॉट. सॉरी दीपिका. See, Deepika, if you are listening, obviously you will be listening. I really like you as a person. That's it. moving on. इस पे मेरे को defend भी नहीं कर रहा. Deepika, you are a nice person, not with Kushagra. All the single ladies, let me know, DM me or Kushagra. He is not on Instagram, so you can DM me if you like Kushagra. Let me know, हम Deepika को bye bye करेंगे, then I can bring you in. अब ये हंस रहे, इसका मुझे बहुत डांटने वाला है. I also want to talk about, एक बारी याद है हमारी लड़ाई हुई थी, where we did not even talk with each other for 7 months. I think 11th
11th की बात है. एंड उस वक्त उसके दैट वाज अ वन एंड ओनली फाइट दैट वी हैड. उसके बाद हमारी कभी फाइट नहीं हुई. या मोर ऑर लेस. बट हमारी छोटी मोटी फाइट्स तो हर रोज होती है, रेगुलरली होती है, दिन में तीन बार. सो उस वक्त मैं जानना चाहता हूँ कि जिन लोगों की लड़ाई होती है, जिन दोस्तों की लड़ाई होती है, व्हाट इज दैट वन थिंग, व्हाट प्रैक्टिकल ज्ञान दैट यू वांट टू गिव इट टू दैट फ्रेंड्स कि कैसे सॉल्व करने. बिकॉज मेरे को ना बहुत लोग बहुत बार पूछते हैं कि यार आप रिलेशनशिप मेंटेन कर ले तो हमने देखा हुआ है, एंड व्हाट इज दैट वन एडवाइस. और मुझे लगता है कि मैं किसी को एडवाइस नहीं देता इन चीजों के लिए, बिकॉज मुझे फील होता है हर रिलेशनशिप अलग है, हर रिलेशनशिप यूनिक है. हमारे रिलेशनशिप सक्सेसफुल कैसे है मुझे वो जानना है अभी के लिए. सो जिस लड़ाई की ये बात कर रहा है ना, उस लड़ाई में द थिंग दैट आई रिग्रेट द मोस्ट इज वन लाइन दैट आई सेड जब हमारी लड़ाई हुई. मैंने थिंग्स आर गोइंग टू गेट डर्टी है. हम आई थिंक अपने किसी फ्रेंड के गैराज में खड़े थे एंड आई वाज लाइक कि यार मुझे तुझसे दोस्ती नहीं करनी, तू मेरी लाइफ में वापस मत आइयो कभी, कट, घर चलो अपने. एज सिंपल एज दैट, घर चलो. मतलब मुझे अभी बात ही नहीं करनी, मुझे याद आ गया. मुझे ये था कि यार प्रॉब्लम आ रही है ना, एक बार आ गई, दो बार आ गई, तीन बार आ गई, अगर ये चीज ही प्रॉब्लम कॉज कर रही है तो फिर इसको काट दो ना, मतलब क्यों रखना. एज सिंपल एज दैट मेरा ये थॉट था. एंड आई यूज्ड अ वेरी हार्श लाइन जो आई टिल डेट आई रिग्रेट कि मुझे वो नहीं करनी चाहिए थी. बिकॉज जैसे वो मतलब इट माइट साउंड वेरी बुकिश, बट होता है ना कि एक बार यू नो वो अगर वर्ड्स निकल रहे हैं तो उसको भी वापस नहीं ले सकते. इट वॉज दैट काइंड ऑफ सिचुएशन फॉर मी. सो मैं ये बोलना चाहूंगा जब भी किसी की कोई लड़ाई होती है या किसी रिलेशनशिप में, यू नीड टू पुट इन अ लॉट ऑफ एफर्ट, बट देन किसी भी लड़ाई में यू शुड रिफ्रेन फ्रॉम यूजिंग सच हार्श वर्ड्स. वो एक बार आ गए और अगर सामने वाले को बुरे लग गए या तुम्हें भी बुरे, तुम्हें भी मतलब बाद में यू नो इट माइट कम टू बैक टू बाइट यू, तो वो चीज ठीक नहीं होगी. बट देन गलतियां इंसान से होती हैं, मुझसे भी हुई. उसके बाद 5-6-7 महीने हम लोगों ने बात नहीं करी. बट देन आफ्टर दैट आई थिंक आई रीच आउट टू यू वंस. नो नो आई डिड मे बी. सो आई थिंक ही रीच आउट टू मी एंड देन आफ्टर दैट I was the one जिसे लड़ाई शुरू की थी. हाँ, correct. So I did after. So yeah, I remember. So he reached out to me and then after that I was like, ये अच्छा move है. मतलब obviously ये अगर सामने वाला. No, I still remember when I reached out to him. He said, मुझे तेरे जैसे दोस्त नहीं चाहिए अपनी life में. This was your exact wording. So ये मुझे याद नहीं, but अगर क्या आपकी life में अगर ऐसा हो तो please comments में बताओ. So, अगर मतलब आई डोंट नो, मैंने ये बोला भी होगा तो एग्जैक्टली बोला है तो उसके बाद से दीपिका खुश है अभी. तो उसके बाद से आई थिंक प्रोबेबली मैंने इस चीज को भी एक चांस दिया, इसने भी एक चांस दिया एंड देन आई थिंक इट गॉट बैक टू नॉर्मल. सो दैट इज व्हाट आई थिंक. आई ऑनेस्टली वांट टू ऐड ऑन हियर इज दैट मुझे लगता है कि हमारी बेस्ट बात ये है, हम बहुत अलग है, मान लिया, डन है. बट हमें लगता है कि हम इतने टाइम तक एक दूसरे के साथ इसलिए एज फ्रेंड्स एज ब्रदर्स बिकॉज हमारा एक एजेंडा है जो दोनों का बहुत ज्यादा सिमिलर है. जनरली लोग हमसे चिढ़ते भी हैं इस बात से बिकॉज हमें ना लड़ाइयां डिस्कस करने में बड़ा मजा आता है. ठीक है, हम तो वो डिबेट शुरू करते हैं कि ये पॉइंट नंबर 3, 1, 2, 3 ऐसे वाला करके. आई थिंक द बेस्ट पार्ट अबाउट आर फ्रेंडशिप एंड आर फाइट्स इज दैट वी ऑलवेज डिस्कस थिंग्स एंड देन वी मूव ऑन फ्रॉम द चैप्टर. सो वंस वी हैव एक्चुअली डिड द एंटायर पोस्टमार्टम of the entire fight and then only then we move on. क्योंकि हमारे साथ मैंने देखा है बहुत बार क्या होता है, लोग ना लड़ाइयों को डिस्कस नहीं करते और कहते हैं चल यार छोड़, मिट्टी डालो, मिट्टी डालो. वो एक्चुअली मिट्टी कभी डलती नहीं है और वो एक दिन बड़ी लड़ाई में बाहर आती है, वो गुस्से में बाहर निकली. हाँ, हमारे साथ कभी ऐसा नहीं हुआ. करेक्ट. पुरानी लड़ाई हमने कोशिश करी कि ऐसा ना हो. हाँ, पुरानी लड़ाई हमने कभी नहीं उठाई. करेक्ट. ठीक है, नहीं हम अभी ये एक रूल था जो हमने बिठा लिया था इस चीज पे. एंड आई थिंक हमारी वो 7 महीने में लड़ाई के बाद भी ऐसा हुआ था कि हम लोगों ने बैठ के एक बार तो डिस्कस किया था. हाँ. कि भाई हाँ ये गलतियां हैं, मैंने ये गलत बोल दिया, इसने ये गलत बोल दिया, जो भी हुआ. जब सब कुछ डिसाइड कर लिया एंड एक एक बार सबने मान लिया कि ये मेरी गलती है, ये इसकी गलती है, बात खत्म. इसके बाद वो बात फिर से नहीं उठेगी. दिस इज हाउ वी यूज्ड टू टेक इट फॉरवर्ड एंड आई थिंक फॉर अस एटलीस्ट इट हैज वर्क्ड वेरी नाइसली टिल डेट. कुशाग्र, ऑन दिस प्लेटफॉर्म आई वॉन्ट टू थैंक यू राइट नाउ. बहुत कम लोग, बहुत कम क्या, इनफैक्ट आई थिंक 2-4 लोगों को ही पता है. मेरी जब फर्स्ट जॉब थी तो मेरे फर्स्ट डे पे मेरे एक सर थे जिन्होंने मुझे कहा तेरे को एक्सेल आती है, मेरे बॉस ने. तो मैंने कहा हाँ जी सर आती है. एंड उन्होंने कहा ये एक्सेल बना के लाओ. एंड आई सेड ओके. फर्स्ट जॉब थी, बंदा डरा हुआ होता है. अब मेरे जैसे बंदे को जिसको करियर का प्रॉपर कोई स्कोप नहीं था, जिसको आई वॉज नॉट वेरी क्लियर कि करना क्या है, नौकरी मिली हमें तो था काम करना है. एंड उस वक्त ना
जब मैं अपनी सीट पे पहुंचा, आई गेव हिम अ कॉल, मैंने कहा कुशाग्र यार एक्सेल क्या होती है तो मुझे ये बताएगा, एंड ही इज दैट गाय हु डिड हेल्प मी ऑन फोन. पूरा तूने मुझे आधा एक घंटा लगाया और तूने मुझे बताया कि क्या क्या चीजें होती हैं. आई बिलीव मार्केटिंग हुक का स्टार्ट होने में भी तेरा बहुत बड़ा हाथ है, बिकॉज यू वर दैट गाय जिसने मुझे बताया पावर पॉइंट ऑफिस पावर पॉइंट होता क्या है. आई डोंट नो इफ यू रिमेंबर दिस और नॉट, हम एक कॉफी हाउस में बैठे हुए थे एंड 5 मिनट में तूने मुझे समझाया कि इसको ऐसे सुंदर बनाते हैं, इसको ऐसे सुंदर बनाते हैं. फ्रॉम दैट डे में आई हैड अ इंटरेस्ट इन क्रिएटिव्स, कि मुझे पता लगा माय लास्ट जॉब वेयर आई डिड ट्रेमेंडसली वेल, द कंपनी आई वर्क फॉर लास्ट 5 ईयर्स, आई थिंक यू वर द वन जिसने मुझे वहां तक रेफर डाला था. आई बिलीव मेरी लाइफ में ना बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें, इट्स ऑल बिकॉज ऑफ यू एंड आई मीन इट. आई एम नॉट जस्ट सेइंग दिस बिकॉज वी आर हैविंग अ पॉडकास्ट हियर, दिस इज समथिंग दैट आई ऑलवेज वॉन्टेड टू टेल यू एंड आई थिंक जहां पर भी मुझे मौका मिला है आई हैव ऑलवेज बीन वोकल अबाउट इट. आई जस्ट वॉन्ट टू थैंक यू फॉर एवरीथिंग दैट यू हैव डन फॉर मी इन लाइफ. आई ऑनेस्टली टेल यू बहुत बार ऐसा होता है आई लुक गुड एट दीज प्लेटफॉर्म्स, मैं अपना पॉडकास्ट कर रहा हूँ, मैं मार्केटिंग हुक चला रहा हूँ एंड आई एम वेरी एक्टिव ऑन सोशल मीडिया, बट लोगों को ना ये नहीं पता दैट रीजन क्या है इस इंसान का इतना स्ट्रांग बनने का, एंड दैट रीजन इज यू. मुझे सच में लगता है कि वो जो होता है ना, अगर इफ आई वॉन्ट टू गिव यू अ टाइटल, आई वुड इन अ सेकेंड दैट आई वुड द टाइटल आई वुड लाइक टू गिव इट टू यू, द मैन बिहाइंड Fianshu Sharma. ये तो बहुत बड़ा लाइन हो गया. मुझे सच में लगता है कि यू हैव हेल्प मी इन अ वे कि आई कैन नेवर रीपे यू बैक, चाहे वो इमोशनली हो, चाहे वो फिजिकली हो, चाहे वो मॉनिटरी भी हो. आई विल बी वेरी ऑनेस्ट हियर, बीइंग अ एंटरप्रेन्योर इज वेरी टफ एंड इट इज वेरी टफ. And every month, because now he is working in the corporates, ठीक है, huge salary, भाई साहब बहुत कमाते हैं, ठीक है, बहुत कमा रहे हैं, बहुत कमा रहे हैं, ठीक है, इतना नहीं, तो मतलब मैं बस बहुत कमा रहे हैं. So every month I give him a call and I tell him तेरी salary आ रही है ना, and he tells हाँ हाँ आ रही है. And being an entrepreneur, मुझे नहीं पता, honestly मुझे नहीं पता कि we have मतलब लाख लाख का खर्चा होता है हर महीने का, ठीक है, and I tell him कभी भी मैं तुझे बता सकता हूं कि मुझे इतने पैसे चाहिए तो तू भेज दियो, एंड यू हैव नेवर सेड नो. वो वाला मतलब थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग. आज तक लिया नहीं है बट मैं हर महीने इसको कॉल करके पूछता करूं तेरी सैलरी आ रही है बस पैसे दे दी जब जरूरत पड़ेगी. मुझे भी पता है ये थोड़ा मेंटल क्वेश्चन नहीं है, इसे शायद जरूरत ना पड़े. नहीं बट ऑन अ सीरियस नोट आई थिंक इसने बहुत तारीफ कर दी, इतनी तारीफ तो मैं के लिए मैं प्रिपेयर नहीं था शायद, बट आई ऑनेस्टली वॉन्ट टू यू नो जस्ट ब्रिंग आउट अ कपल ऑफ पॉइंट्स अबाउट Fianshu Sharma. जब कॉलेज से हम लोग निकले, दैट वॉज द टाइम व्हेन आई स्टार्टेड, एंड ह्यूज क्रेडिट गोज टू कीरत आल्सो बाय द वे. इसके कॉलेज के लास्ट इयर्स में जितना कीरत ने इसको फोर्स किया पढ़ने के लिए एंड जस्ट टू गेट अ गुड सैनिटी ऑफ एजुकेशन, मतलब उस मामले में आई थिंक ह्यूज क्रेडिट गोज टू कीरत. सो मैं ऐसा कह सकता हूँ कि जो मैंने करता वो कीरत से करी थी. सो हाँ, सो बट दैट टाइम आई ऑल्सो रियलाइज, हम दोस्तों में भी ऐसा नहीं कर सकते ना कि यार आप मेरे दो तीन दोस्तों और जिसमें यू नो आई कांट ब्लाइंडली हेल्प एवरीबॉडी. ट्रू ट्रू राइट. जहां मुझे लगा ना मतलब कि Fianshu इज गेटिंग सीरियस अबाउट हिज करियर, ही माइट नॉट हैव अ लॉट ऑफ रेवेन्यूज राइट नाउ, इसको अभी कोई जॉब नहीं मिल रही है, अभी यू नो अब कॉलेज में है, उसमें पढ़ाई में मन नहीं लगता था, कोई कुछ नहीं कर सकता, ऑनेस्टली डजंट रियली मैटर ऑल्सो दैट मच, ठीक है, ये अब हमें पता चलता है लाइफ में. लेकिन जब हमें लगता है ना कि मतलब जब मुझे लगा इस चीज का कि यार Fianshu, you know, he is getting serious about his career. And he comes from a business family, by the way. His mother is a great example of a good entrepreneur. Okay. His sister, amazing as his mother. So yeah. So auntie and didi, he comes from that background. So मुझे इतना पता था कि मतलब यार he's you know now इसको ये flavour चढ़ गया है. अब कॉलेज से बाहर निकल के जब इसको ये आया ना कि अब तो कहीं जाना नहीं, अब तो कोई कॉलेज है नहीं, अब तो कोई स्कूल है नहीं, वो जो रियलिटी का थप्पड़ पड़ जाएगी, ना ट्यूशन पे जाना है ना कोचिंग है, अब करना क्या लाइफ में. यहाँ पे इसने ही यू नो अपना हेड डाउन करके ही जस्ट वेंट फॉर वट एवर केम इन फ्रंट ऑफ. मुझे अभी भी याद है कि एक मतलब आई थिंक 15,000 की जॉब थी, 20,000 की जॉब, 20,000 की स्टार्टिंग जॉब जिससे इसने स्टार्ट किया. And वो जॉब के लिए इसने ये नहीं सोचा कि उसमें क्या करना है क्या नहीं करना है. He was like, मुझे एक चीज करने को बोला जा रहा है, मैं वो करूंगा, उसके बाद देखेंगे क्या होगा क्या नहीं.
So I think that attitude and that mindset is very important, and that is what I still praise about him. कि यार एक entrepreneurial mindset ना इसका उसी दिन से शुरू हो गया था. ये तो अभी बोलता है कि इसने अभी स्टार्ट किया, बट एक्चुअली इसका उसी दिन से शुरू हो गया था जिस दिन ये कॉलेज के लास्ट डे पे अपना रिपोर्ट कार्ड लेके आ रहा था और बोला था अब कल कहाँ जाना भाई बता दो. मतलब एज सिंपल एज दैट. आई थिंक आई ऑनेस्टली बिलीव दैट. तो आज भी जब मैं इसको बोलता हूँ यार, अब मुझे ये लगता है कि यार मैं हमारी कितनी बार ये बात होती है और मैं इसको बोलूँ तेरी गाड़ी चल रही है ना, तू बस चलाता रहे. एज सिंपल एज दैट. तुझे कुछ नहीं सोचना कि ये गाड़ी कहाँ जा रही है, ये गाड़ी कहाँ से आ रही है, तू चलाता रहे एंड वी आर विद यू. एज सिंपल एज दैट. सो इट इज जस्ट माई रीअश्योरेंस टू हिम कि यार, एंड आई जेन्युइनली होप कि इसको जरूरत ना पड़े पैसों की, बट अगर पड़ेगी तो मैं बाकी लोग पेटीएम कर सकते हो. वी आर लुकिंग फॉर स्पॉन्सर्स. हाउ डू यू फील कि हम जब दोनों सेम स्कूल सेम क्लास से थे, सो एक होता है ना कि कभी अंकल आंटी ने कभी बोला था कि फियांशु से दूर रहने का, ज्यादा क्लोज नहीं आने का, बिकॉज आई एम वेरी श्योर हम सबके पेरेंट्स ने हमेशा बोला कोई ना कोई ऐसा दोस्त जरूर होगा जिसको हमारी मम्मियों ने बोला होगा कि इससे थोड़ा सा डिस्टेंस बना के रखो, ये तुझे खराब करेगा. मेरे साथ दिस हैज हैपेंड अ लॉट ऑफ टाइम्स वेयर माय ओन रिलेटिव्स, माय इफ आई हैव टू टेल अबाउट पीपल दैट आई नो, ठीक है, उनके कहीं ना कहीं बच्चों को या पेरेंट्स को ऐसा लगता था यार ये थोड़ा सा खराब कर देगा. इनफैक्ट दिस वन थिंग इज वेरी क्लोज टू मी, आई वुड लाइक टू शेयर इट हियर. कीरत की बहुत ही क्लोज फ्रेंड ने कॉलेज में कीरत को बोला कि तू फियांशु के साथ क्यों है, बिकॉज ही एब्सोल्युटली हैव नो आइडिया अबाउट हिज करियर, वो करेगा क्या आगे. एंड लास्ट वीक ओनली शी मैसेज मी दैट आई सॉ योर पॉडकास्ट एंड आई लव्ड इट, आई एम गोइंग टू शेयर इट विद माई बॉयफ्रेंड who is suffering from some problems in your face. Sorry. So how do you feel that yaad hai hum ek dusre main tu mujhe khota sikka bol raha tha, hum koi aisi wali baat kar rahe the, how do you feel wo khota sikka shayad chal pada ye. So mera ye wala to parents wali baat mein pehle ye bolna chahunga ki हर एवरी पेरेंट हैज अ राइट टू बी प्रोटेक्टिव अबाउट हिज किड. ट्रू ट्रू. किस पेरेंट्स को ज्यादा पता है, मैं थोड़ा सा ज़ूम कर लेता हूं एक्सपीरियंस अबाउट देयर किड्स, दे नीड, दे हैव ऑल द राइट टू बी प्रोटेक्टिव. अब इसमें ये बात है, बट मैं अपने दिल पे हाथ रख के आज भी ये बोल सकता हूँ कि मेरे पेरेंट्स ने कभी फियांशु के बारे में ऐसी चीज नहीं बोली. अंकल आंटी बच के मैं घर आ सकता हूँ. बट देयर वर अ कपल ऑफ फ्रेंड्स जिनके बारे में उन्होंने मुझे बोला. मैं उनका नाम नहीं लूंगा, बट यस वो भी देख रहे हैं. सो यार डिसलाइक मत करना. सो मैं ये बोलना चाहूंगा कि दो चीजें हैं. एक चीज ये, बिकॉज मुझे पता है मैं दिन रात इसके साथ बैठता उठता खेलता हूँ पढ़ता हूँ जो भी है, खेलता तो कमी हूँ बट तो मुझे पता है कि इसका इसकी क्या पर्सनालिटी है, क्या माइंडसेट है, क्या कैसा एटीट्यूड है, दिल से कैसा है वगैरह वगैरह. तो ये मेरी ड्यूटी है कि मैं अपने पेरेंट्स को भी जाके सेम इंप्रेशन दूँ. एंड आई हैव नेवर बिलीव्ड कि यार ये उनको ना डबल साइडेड इंप्रेशन में रखना चाहिए. तुम जो हो अपने पेरेंट्स से एक बार करके देखो, उनको भी ऐसे दोस्तों की तरह बता के देखो, बहुत अच्छा लगेगा, बहुत सिंपल चलेगा. नहीं तो मैंने वो चीज करी एंड दे ऑल्सो रियलाइज कि जब जितनी बार भी ये घर पे आता था इतने कैंडिडली मिलते हैं और ये सब कुछ होता है. मतलब आज की डेट में अगर ये मेरे घर पे आए तो सवाल ही नहीं उठता कि मेरे मम्मा इसको खाना खाने के बिना भेज दें घर. एज सिंपल एज दैट. ट्रू ट्रू. सो मतलब दे आर वेरी फॉन्ड ऑफ हिम एंड इट इज, आई मीन इट इज ट्रू टू द लिमिट. मतलब इसके पास कोई वो नहीं है. और जहां तक की बात आ रही है खोटे सिक्के की, मुझे ऑनेस्टली ये याद नहीं कि हमने किस कॉन्टेक्स्ट में यूज किया था. बहुत पहले की बात है बट मुझे इतना पता परसों की बात है. नहीं तो मुझे इतना पता है कि ये एक बहुत ही मेहनती खोटा सिक्का होगा अगर था तो मैं ये मानना चाहता हूँ कि यार ये जितनी मेहनत और एफर्ट अपने काम में डालता है ना, आई मीन दैट इज एन इंस्पिरेशन फॉर मी ऑल्सो. सो मैं ये मानूंगा ये खोटा सिक्का पॉडकास्ट पे है इसलिए बोल रहे हैं, जेन्युइनली है. नहीं मैं जेन्युइनली बोलता हूँ तुझे हर बार, आज तक नहीं बोला इस टाइम. So this is one of the examples where he makes me socially awkward and I don't like it. So yeah. But anyway, but मैं ये बोल रहा था कि ये बहुत ही मेहनती खोटा सिक्का है. और अगर अभी भी खोटा सिक्का बोल रहा है मुझे ये. नहीं वो तो अब यूज कर लिया ना टर्म तो. एनीवे बट ये आगे जाके मतलब एक बहुत अच्छा सोने का सिक्का बन सकता है. ओह ओह ये हीरा इसको तराशना पड़ेगा. मैं अपना ना एक ये एक और बात मैं बोलना चाहूंगा वैसे, बट मैं अपना एक ये बस एक इसको पता है मतलब ये चीज मैं अपनी एक सेंस ऑफ ड्यूटी मानता हूँ इस चीज पे एंड आई एक्सपेक्ट द सेम फ्रॉम हिम आल्सो कि अगर ये जिस लाइन पे चल रहा है ना, मतलब आई थिंक आज से 3 महीने पहले जब ये अपने यू नो पॉडकास्ट और इन सब के बारे में ब्रेनस्टॉर्मिंग कर रहा था और ये सब कर रहा था, ही वाज लाइक इसने उससे पहले ना बहुत लाइट ले ली थी लाइफ. मतलब चल रही है लॉकडाउन है, मतलब कर सकते हैं, तो लॉकडाउन में सब थोड़ा सा लाइट तो ले ही लिया था. तो लॉकडाउन स्टार्ट हुआ, ये भाई साहब अपना बैठे हैं घर में दिन रात. हमें लग रहा था अगले 21 मार्च को खुल जाएगा. तो ये थोड़ा ऐसा था. तो मोदी जी ने कहा है
कि 21 मार्च को बाहर आ सकते हो कोरोना ठीक हो जाएगा। 21 मार्च के बाद ही करनी है चीज, तब तक तो छुट्टी चल रही है ना, समर वेकेशन चल रही है। मैंने तो दिए भी जलाए थे। तो इसने ये भाई साहब दिन रात नेटफ्लिक्स पे नेटफ्लिक्स पेल रहे थे एंड ऑल ऑफ अ सडन, और इसलिए मैंने भी इसे कुछ बोला नहीं उस टाइम पे, इसको ऑल ऑफ अ सडन कहीं से रियलाइज हुआ कि यार ये तो सही नहीं चल रहा, ये सेल्फ रियलाइजेशन थी एंड मेरा इसमें एंड ईएमआई रियलाइजेशन, इजी मंथली इंस्टॉलमेंट व्हिच आर नॉट एट ऑल इजी इन लाइफ। सो उस वाली चीज में मेरा कोई हाथ नहीं था एंड जैसे ही उसकी रियलाइजेशन हुई ही वाज लाइक कि यार अब तो कुछ करना है एंड अब मैं नहीं रुकूंगा, मतलब ये मैंने बहुत गलत कर दिया कि इतने यू नो इतने सारे हफ्ते वेस्ट कर दिए एंड इसने फिर से वापस से वो अपनी गाड़ी उठानी स्टार्ट करी एंड उसके बाद से अब तक मैं इसको यही बोल रहा हूँ कि अगर मैंने तुझे कुछ एडवाइस नहीं दी ना तो इसका मतलब तू ये समझ तू सही चल रहा है। द्रोणाचार्य तो मैं ये मानता हूँ कि ये जब इसको ये रियलाइज हो गया तब ये नहीं रुकता एंड ये फिर एक 24 घंटे के दिन में 22 घंटे काम कर रहा है या 23 घंटे काम कर रहा है, ही डजंट केयर। तो दिन के रात की बीच में तो हम ये प्रॉब्लम की बात कर रहे थे कि इसको नींद नहीं आ रही है, मतलब रात के टाइम में काम चल रहा है दिन में कुछ और हो रहा है तो वो नींद कहाँ करनी ये नहीं पता चल रहा है लाइफ में। तो ये हमारी बात हुई थी, हमारी प्रॉब्लम चल रही थी। सो मैं ये इसलिए मैं बोलता हूँ कि अगर ये खोटा सिक्का है तो बहुत मेहनती खोटा सिक्का, मेरा तो ये पॉइंट है। कोई ऐसा टाइम आया था तेरी लाइफ में जब यू डिसाइडेड कि यार आई कैन गिव 100% फॉर दिस गाय? कोई ऐसा एक इंसिडेंट तो याद नहीं आ रहा, आई थिंक बहुत सारे होंगे प्रोबेबली। सो ओके, आई वुड लाइक टू शेयर वन। यू आर इन थर्ड और फोर्थ ईयर ऑफ योर कॉलेज, तो कॉलेज से मेरे ख्याल से ग्रुप था जो ऋषिकेश गया था एंड सम बैड इंसिडेंट हैपेंड, वी लॉस्ट समवन एंड उस वक्त आफ्टर 2 डेज पता लगता दैट हमें बॉडी नहीं मिली अभी तक, समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। एंड जैसे कुछ आगे ने बोला मैं बहुत दिल से सोचता हूँ, और उस वक्त ना मेरे दिमाग में कम से कम हफ्ता ये चलता रहा कि अगर हम उस पोजीशन पे होते तो हम क्या करते। एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं हमेशा सोचता रहा ठीक है कि अगर कुशाग्र होता, अगर बिकॉज ही फ्रेंड्स जाते हैं ऐसे ट्रिप्स पे एंड हम सारे बहुत अच्छे मूड से जाते हैं, अगर तू उस प्रॉब्लम में फंसा होता व्हाट विल आई डू ठीक है, और या मैंने क्या किया होता। एंड मैंने हमेशा ये सोचा कि अगर मुझे स्विमिंग नहीं आती और तू वहां पे फंस चुका होता मैं क्या करता। मैं ऑनेस्टली बताता हूँ उस वक्त ना मुझे सच में फील हुआ एंड आई एम नॉट इवन किडिंग दैट अगर मुझे स्विमिंग नहीं भी आती हो ना, आई ट्रस्ट यू दैट मच इन लाइफ एंड आई थिंक यू आर सो स्पेशल टू मी दैट अगर मुझे स्विमिंग नहीं भी आती मैं तो भी तेरे लिए जंप मार लेता। एंड दैट इज वॉट आई फेल्ट ऑनेस्टली, मुझे मैंने बहुत सोचा, हर बार हम सोचते कि यार मतलब मेरे तो इतना दिमाग में था कि मम्मा क्या करेंगे मेरे बिना, कीरत क्या करेंगे, मैं वेला बैठ के सोच रहा हूँ ठीक है। और उस वक्त मुझे लगा कि यार मैं लाइफ टाइम ना अपने आप को I will not be able to forgive myself. I will not like मैं भी ऐसे सोचता हूँ तो मैं भी थोड़ा सा वो हो रहा हूँ कि मैं अपने आप को forgive ना कर पाता अगर ये सोचता कि यार मैं तेरे लिए try नहीं कर पाया, बेशक swimming आती हो नहीं आती हो। And since then I have been very vocal about it. He is one guy that I can actually take a bullet for, and I mean it. Thank you so much. उसके बाद भी दीपिका को ज़्यादा प्यार करता है, so I hate him. तो हम मतलब मैं ये पूछना चाहता हूँ कब दीपिका को निकाल सकते हैं फाइनली लाइफ से, मेरे पॉडकास्ट का अल्टीमेट मोटिव ही वो है। हाँ, मतलब हम कब दीपिका को निकालेंगे? वो नहीं होने वाला। लास्ट देयर आर फ्यू क्वेश्चंस दैट हमारे लिसनर्स ने पूछे हैं आपके लिए, हमारे लिसनर्स ने भेजे हैं आपके लिए। द फर्स्ट क्वेश्चन इज हाउ कुड यू लीव द थिंग दैट यू हैव अचीव्ड विद सच डिटर्मिनेशन, जो दे आर टॉकिंग अबाउट द एनडीए एग्जाम थिंग, लाइक लोग नहीं छोड़ेंगे इस बारे में। This is a very tough question and it's a very tough situation to be in, I think. But मैं बस वही बोलता हूँ जो मैंने भी आई थिंक उस टाइम पे सोचा, वो ये कि यार अगर तुमने कभी किसी चीज़ के बारे में इतनी यू नो इतनी शिद्दत से सोचा ही नहीं ना तो उस चीज़ के बारे में नहीं जाना चाहिए। इट्स एज सिंपल एज दैट। अगर आई थिंक तुम्हें लगता है कि यार यू नो दिस इज वन थिंग दैट आई नेवर थॉट अबाउट कि मैं कभी करूँगा, तो फिर मैं वो शायद चीज़ नहीं करूँगा। The second question that we have is, didn't you feel scared जब आपको एक stable government job आपके हाथ में थी, right? And it was safe. आपने वो छोड़ के you went for corporate career. पहली बात वो safe नहीं था। हाँ, it was very hectic. हाँ, actually, वो काफी adventurous life है। Indian Army, hats off to them. Navy, hats off to them. Air Force, मतलब you guys are keeping us safe. You guys are doing a tremendous job, I think. Huge respect. Huge respect. Every day आप लोग हमारे लिए लड़ते हो, आप लोग हमारे लिए
स्टैंड लेते हो, आई थिंक इट्स वन ऑफ द मोस्ट टफेस्ट जॉब, सेल्फलेस जॉब है, राइट. सो फिर भी ये सब छोड़ा था, तो ऐसा नहीं लगा कि यार लाइफ बढ़िया आगे जाके वो हो सकती है? मुझे ये जरूर लगा था यार कि जैसे अभी भी मैं अगर सोचता हूँ ना एक बार, तो मैं सोचता था यार वाह यार एक बार मतलब एक मौका मिला था और उसमें मैं यू नो आई कुड बी अ फाइटर पायलट, ठीक है. सो वो मैं जरूर सोचता हूँ, एंड आई थिंक सोचना भी चाहिए, मतलब कि यार मेरी एक ऑल्टरनेट लाइफ वो हो सकती है, इट्स एज सिंपल एज दैट. बट आई थिंक द गुड थिंग अबाउट दिस इज दिस वाज दैट वाज माय डिसीजन एंड सोलली माय डिसीजन. मुझ पर किसी ने कुछ फोर्स नहीं किया कि तुझे ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, एडवाइस सबने दिए, बट एट द एंड ऑफ द डे आई वॉज कम्फर्टेबल इन माई शूज कि यार ये मैंने चूज किया है कि ये नहीं करना है. और मुझे पता है कि मेरा माइंड सेट टुवर्ड्स कॉर्पोरेट प्रॉबेबली ज्यादा है, तो मैं वो करूँगा. ओके, सो आई थिंक यू नीड टू मेक दैट डिसीजन योर सेल्फ आफ्टर वेइंग इन एज मेनी एडवाइसेज एज यू वॉन्ट. ये वाला डिसीजन हमने साथ में ही लिया था व्हेन वी वर डिस्कसिंग क्या करना है क्या नहीं करना. द लास्ट क्वेश्चन वी हैव इज How did you convince your parents to leave all those things that you have achieved and उसके बाद एक अलग सी life, engineering life pick करना? हाँ, so here it is. So मेरे को parents को कभी convince करना नहीं पड़ा. So it's not like कि आपको you know एक decision में आके ही अब अपने parents को convince करना है कि you know मतलब ये मैंने decision ले लिया है तो अब आप लोगों को मानना पड़ेगा कि मैं ये करने वाला हूँ. हमारे parents हमें दिन रात शाम हर दो घंटे हर घंटे उठते बैठते देखते हैं. They know everything about us. अगर कोई भी ये सोच रहा है ना कि तुम्हें तुम्हारे पेरेंट्स हमसे नहीं जानते तो तुम भाई ब्लेटेंटली गलत हो, एज सिंपल एज दैट. तो हमारे पेरेंट्स हमें इतना जानते हैं, इतना अच्छे तरीके से समझते हैं कि उनको पता है कि क्या यू नो हमारा क्या पोटेंशियल हो सकता है. उनको पता है कि हम कितने आगे लाइफ में जा सकते हैं, कि क्या हमारे इंटरेस्ट हैं क्या नहीं है. सो वो कॉन्फिडेंस मुझे लगता है कि एक दिन में नहीं आता. वो कॉन्फिडेंस तुम्हारा बचपन से चलता है ओवर पीरियड ऑफ टाइम, करेक्ट. सो दैट यू नीड टू ऑल्सो रीइंफोर्स समटाइम्स. तुम्हें बताना पड़ेगा हर दिन हर बार बात करके कि यार मैं अपनी लाइफ में ये करने को सोच रहा हूँ, ये बात ये सोच रहा हूँ, आप मुझे एडवाइस दो, आपका इतना एक्सपीरियंस है वगैरह. सो जब मैंने ये चीज उनको बताई कि यार मुझे ये यू नो आर्मी एयरफोर्स में नहीं जाना और मैं ये करने वाला हूँ, इवन दो कुछ कुछ क्लियर हो गया है, मेडिकल फिट क्लियर हो गया है, They said yes, okay. If this is what you have decided, we are with you. As simple as that. हम तुझे किसी एक जगह पर डाल के ऐसे नहीं बोलना चाहते कि यार तू ये कर और उसके बाद you know पूरी life में तू मुझे क्योंकि आपका career दो तीन साल का तो है ही नहीं. Correct. It's about next 40 years. पूरा life है. मतलब पूरी life तुम्हारी आगे की change हो गई. So it is as simple as that. So मेरा मानना बस ये है कि अपने parents के साथ वो dialogue रखो. अगर वो रख सकते हो, that's the best thing. तो तुम्हें कभी किसी को convince नहीं करना पड़ेगा कि तुम्हें life में क्या. यहाँ पे मैं थोड़ा सा एक add on करना चाहूंगा on a lighter note. जब कुशागर ने कहा कि हमारे पेरेंट्स हमारे बारे में सब कुछ पता था, मुझे लगता है वहां पे अंकल आंटी एक बार गलत निकले थे. एक बार क्या हुआ, एंड दिस इज ऑन अ लाइटर नोट, मैं कुशागर के घर गया एंड आंटी ना मुझे कंप्लेन कर रहे ये पढ़ता नहीं है. और मैं कहा अगर आंटी आपका बेटा पढ़ता नहीं है ना फिर तो मैं घर ही जा रहा हूँ वापस. थोड़ा पनीर डाल दो. सो आई थिंक दैट्स इट. थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू प्रैक्टिकल ज्ञान. माय प्लेजर. And I hope हम लोग तेरे को social media पे जल्दी आते हुए देखें. I don't know why you do not like social media. But social media पे तो नहीं, but maybe you know behind the scenes. Behind the scenes. If there are any listeners that want to connect with you, कोई जगह है जहाँ पे they can get connected with you? Absolutely. I think if anybody wants to connect with me, I'm available on one social media platform, that is LinkedIn. Okay. You can DM me anytime, any. But he is not available. Okay. मैं दीपिका के साथ share कर रहा हूँ बहुत है उतना. Thank you so much for coming to Practical Gyan. It means the world to us. I'm very happy that I started season 2 with you, right? And I think my pleasure. तेरे से ज़्यादा right बंदा नहीं हो सकता था इस चीज़ के लिए. Right now I can come to तू तड़ाका क्योंकि अब हम end कर रहे हैं. ठीक है. Thank you so much for coming to Practical Gyan, Kushagra. And I hope you had a good time. Yeah, absolutely. I think अगर मैं कोई भी हमारे listeners में से किसी को भी कुछ you know कुछ सीखने को मिला, I think that's the best takeaway for me right now. And thank you for inviting me. I hope I added value to your life and then your podcast. You always do. Thank you so much for being here. Thank you.